भाइयों और बहनों, मंगलसूत्र का माला गुथवाने के लिए अब सोनार के पास जाने की जरूरत नहीं। खुद घर पे ही आप मोतियों की माला बना सकते हैं, वो भी घर का सामान यूज करके। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मंगलसूत्र है, इसका माला हमें मोतियों का माला बनाना है, वो भी घर पे कैसे बनाते हैं। यहाँ पे लाल मोती है, यहाँ पे आसमानी मोती और ये ब्लू मोती है, और यहाँ पे ये गुठली है जो टाइट किया जाता है, तो इसको हम ऐसे माला गुथेंगे। तो इसमें करना क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये धागा हमने प्लास्टिक वाला रेशम वाला धागा लिया है, इसको लेना जरूरी है, एक टूटेगा नहीं। और यहाँ पे थोड़ा सा हम वायर लिए हैं, यानी 2 इंची के आसपास, इसमें से एक वायर हमने निकाल कर रख लिया है, इसके द्वारा ही हम माला गुथेंगे। तो यहाँ पे हमने डबल धागा काट लिया है, जितना हमें माला चाहिए उससे अधिक धागा काटें, तो इससे धागा काट कर हम इसको डबल कर लिए हैं। अब जो धागा का दोनों किनारा निकल रहा है वहाँ पे 3-4 गांठ हम दे देंगे, ताकि हमारा जो गुठली है जो टाइट करने वाला है वो हमें इसमें से निकलना है, फंसाना है इसमें, इसलिए हमें गांठ यहाँ पे 3-4 गांठ मोटा गांठ देना होगा। चलिए हम इसको गांठ दे देते हैं। तो ये वीडियो खास करके महिलाओं के लिए है, क्योंकि वो ये मंगलसूत्र पहनती हैं, तो ये इसकी ज़रूरत उनको ज़्यादा पड़ती है। तो हर बार सुनार के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर पे ही खुद बना सकती हैं मोतियों की माला। अब ये जो हमें तार जो 1 इंची का काटा था, 2 इंची का, इसको हम एक इसमें से निकाल कर डबल फोल्ड कर लेंगे, ऐसे यहाँ से देख सकते हैं कि डबल इसका मोड़ देंगे तार को, तो ये सुई की तरह बन जाएगा। और जो हमारा धागा का दूसरा किनारा है उसमें इस वायर को फंसाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वायर है, इसको यहाँ पे हम फंसा देंगे वायर में, और ये बन जाएगा बिल्कुल सुई की तरह, बिल्कुल पतला बारीक, जो मोतियों के अंदर से ये गुजर सकता है। इस तरह आप घर पे कोई भी सामान यूज करके यहाँ पे जैसे माला जो है उसको गूथ सकते हैं। तो इसमें डिजाइनिंग माला हम बनाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या ये गुठली लगाएंगे जो टाइट करने वाला होता है बैक साइड का, इसको लगाएंगे और जहाँ पे गांठ दिए हैं वहाँ पे ये रुक जाएगा। अब इसके बाद हम डिजाइनिंग बनाएंगे, तो डिजाइनिंग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आसमानी है मोतियों की माला, इसको पहले एक लगाएंगे और दूसरा हम जो ब्लू मोती है इसको लगाएंगे, उसके बाद फिर जो आसमानी है उसको लगाएंगे, तो ये डिजाइनिंग यहाँ पे बन जाएगा। अब इसको लगाने के बाद करना क्या है, तो ये जो लाल मोती है इसमें से 30 हम निकालेंगे, 30 मोती का अंतराल हम रखेंगे, तो 30 मोती को हम इसमें लगाएंगे इस डिजाइनिंग के बाद। तो 30 मोती लगाने के बाद और आगे आपको बताएंगे कैसे आपको डिजाइनिंग, पूरी तरह डिजाइनिंग बनाएंगे हम, जैसे आप सुनार के पास बनवाते हैं बिल्कुल वैसा ही बनेगा, आप खुद घर पे भी बना सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि 30 हमने लाल मोती लगा दिया है, इसके बाद जस्ट जैसे हमने पहले डिजाइनिंग लगाया था उसी तरह आसमानी, उसके बाद एक ब्लू, उसके बाद फिर एक आसमानी लगाएंगे, और इस तरह लगाएंगे डिजाइनिंग, और फिर 30 लाल मोती हम लगाएंगे, यानी 30-30 का हमारा लाल मोती का अंतराल रहेगा, उस पर डिजाइनिंग रहेगा। तो इस तरह आप लगा सकते हैं घर पे ही। महिलाएं ये वीडियो ज़रूर देखें, इसको स्किप ना करें। तो इस तरह 30 मोती हमने फिर लगा दिया, फिर इस पर डिजाइनिंग उसी तरह लगानी है, यानी कि ये 30-30 का अंतराल करके लगाएंगे, और ये 3 बार अंतराल हम चलाएंगे। 3 बार अगर अंतराल चलाते हैं तो इतना में मंगलसूत्र तैयार हो जाएगा, इतना लंबाई बहुत है मंगलसूत्र के लिए। यहाँ पे तीसरा हमने अंतराल शुरू कर दिया है, और यहाँ पे डिजाइनिंग, लास्ट डिजाइनिंग यहाँ पे दे रहे हैं इसी तरह। तो इस तरह मंगलसूत्र आप गाँथ सकते हैं, मोतियों की माला बना सकते हैं। तो ये देख सकते हैं 3 अंतराल हो चुका है, इसमें मंगलसूत्र डिजाइनिंग बन चुका है। अब इस पर हम मंगलसूत्र को लगाएंगे यहाँ पे। तो मंगलसूत्र यहाँ एक गांठ वाला है, तो एक कुड़ी वाला है, इसको एक चूड़ी वाला हम इस पर फंसा देंगे। अब जस्ट इसी तरह आप देख सकते हैं कि मंगलसूत्र के पास से डिजाइनिंग बना है, जो हमने कलरफुल मोती लगाया है उसी तरह इस मंगलसूत्र के बगल में भी हम एक और कलरफुल मोती लगाएंगे उसी तरह। पहले लगाएंगे आसमानी कलर का, और दूसरा लगाएंगे नीला कलर, उसके बाद फिर आसमानी कलर, और उसके बाद 30
लाल मोती का अंतराल फिर हम देंगे। तो इसी तरह जितना हमने अगले माला में बनाया था उसी तरह हम इसी तरह इसमें भी बनाते चले जाएंगे। तो भाइयों और बहनों, इस तरह आप घर पे ही मंगलसूत्र का जो मोती का माला होता है उसे घर पे ही बना सकते हैं। कोई झमेला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से ये बन जाता है। केवल आपको गिनती रखनी है कि गिनती कितनी हमारी चल रही है। बस गिनती पे बैठाते जाएं, आपका मंगलसूत्र तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट हमने मंगलसूत्र यहाँ पे मोतियों की माला लाल मोती हमने 30 लगा दिया है। अब यहाँ पे लास्ट डिजाइनिंग हम लगाएंगे उसी तरह। तो इस डिजाइनिंग को लगाने के बाद उसके बाद घुड़ी लगाएंगे जो टाइट करने वाला होता है। अब उसको हम इसी तरह लगाएंगे। तो चलिए हम घुड़ी को लगा देते हैं। चूड़ी को हम बाहर करेंगे और बिना चूड़ी का है उसको हम नीचे की तरफ मोतियों की तरफ करेंगे। तो इस तरह आप लगा सकते हैं। और महिलाएं तो ज़रूर देखें इस वीडियो को, ये वीडियो देखेंगे तो उनके लिए फ़ायदा ही होगा, क्योंकि सुनार के पास जाते हैं तो 50-60 रुपया तो लेता ही है गाँथने के लिए। अगर आपके पास मोतियों की माला है तो, अगर नहीं है तो आप बाज़ार से खरीद कर आप घर पर ही खुद इस तरह का माला गूँथ सकते हैं, बना सकते हैं। अब ये लास्ट में हमने जो घुड़ी लगाया है उसको रोकने के लिए माचिस का उपयोग करेंगे। इस धागे को थोड़ा जलाकर हम इसको इकट्ठा करेंगे, क्योंकि ये लास्ट वाला जो घुड़ी है उसको बाहर नहीं निकालना है। तो इसको जलाकर इसको काफ़ी मोटा गांठ जैसा बना देंगे तो ये नहीं निकलेगा, क्योंकि ये रेशम की धागा है, प्लास्टिक जैसी है, ये गल कर ये मोटा गांठ जैसा बन जाता है। तो इस पर हम देख सकते हैं कि ये जलाकर हमने मोटा गांठ इस पर बना दिया, अब ये निकलेगा नहीं। अब यहाँ पे हम अच्छी तरह खींच के भी दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये माला बनकर रेडी हो चुका है, मोतियों की माला बनकर रेडी हो चुका है। डिजाइनिंग बिल्कुल डिजाइनिंग माला बना हुआ है। तो इस तरह अब इस घोड़ी को हम इस तरह ज्वाइंट कर देंगे तो ये माला तैयार हो गया। तो इस तरह आप घर पर ही खुद ही माला बना सकते हैं, कोई बाज़ार में जाने की ज़रूरत नहीं, ना कोई किसी सुनार के पास जाने की ज़रूरत नहीं। इस तरह आप पैसा बचा सकते हैं माला बनाकर। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर वीडियो, हर एक तरह की वीडियो इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी, बिल्कुल ही बढ़िया, क्लियर और सबसे बढ़िया वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेगी। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।